छत्तीसगढ़ रसोईया संघ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है, जिसे लेकर भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में 45,436 स्कूलों के 86,205 रसोईया हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने उनसे वादा किया था कि सारे लोगों को कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाएगा, लेकिन सभी 50 रुपए की मजदूरी पर प्रतिदिन के हिसाब से खाना बना रहे हैं। उनके साथ सामाजिक अन्याय है और छत्तीसगढ़ में लाखों बच्चे भूखे पेट शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन के तहत उनको खाना नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 45,436 स्कूल के 86,205 रसोईया जो बच्चों के लिए खाना बनाते थे वो हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर जाने का कारण, इस राज्य में कांग्रेस की सरकार ने 2018 में रसोइयों से वादा किया था कि सारे लोगों को कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाएगा, लेकिन आज उन रसोइयों को मात्र 50 रुपये की मजदूरी पर प्रतिदिन के हिसाब से खाना बना रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं। ये उनके साथ सामाजिक अन्याय है।